सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एग्जाम देने जाओ, एग्जाम से घर ना पाओ, लेकिन पेपर लीक हो रहा है। एजुकेशन पर सरकार कतई ध्यान ही नहीं दे रही है। किसान जैसे झेल रहा है, जानवरों से भी परेशान है, बेरोजगारी से भी परेशान है, और जो हम लोगों को गन्ना है तो गन्ने का हम लोगों को मूल वेतन नहीं मिल पा रहा। एक ही चारा है किसानी का, उसमें जो है एक ही फसल हमारे यहाँ हो पाती है, वो भी है गन्ना। उसका भी समय से पेमेंट नहीं मिल पाता है, तो इसलिए जो है भुखमरी की ज़्यादा जो है दिक्कतें आ रही है। क्या नहीं वादा करी जा रहा है कि 14 दिन के अंदर मैं पेमेंट दे, नहीं तो जेल में हुई है मिल मालिक। वो जेल में कहाँ है, वो विदेश में बैठे हैं, यहाँ फैक्ट्री में किसान मरो जा रहे हो, गन्ना बेच जा रहे हैं, पैसा मिल नहीं पा रहे है। कहाँ विवेक जी पिछली बार कहाँ वोट किए थे? पिछली बार तो बाबा जी का दिया रहा, अब किसे ने दे, हम अखिलेश वर्मा अखिलेश यादव की हैं। एजुकेशन के लिए जो सपा ने किया है बीजेपी ने उतना नहीं किया नहीं। तब राशन से का होता है, राशन से पेमेंट ना मिल रहा, राशन का सब खर्चा चल रहा, डीजल महंगाई सब, खाद महंगाई, जा कहाँ जा रहे। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी खेरी लोकसभा के बिजूरिया गांव में हैं। बिजूरिया गांव के यहाँ बिल्कुल बाहर निकले हुए हैं, सूरज ढलने वाला है, किसान यहाँ पर सारे व्यस्त हैं अपने खेतों पे, इसलिए हम यहीं पर ही इनके खेतों पर ही आ गए हैं इनसे बात करने के लिए। यहाँ पर खेरी लोकसभा में इस बार चुनाव का क्या नतीजा रहेगा या लोगों का क्या रुझान है वो समझने आए। ये मुख्य रूप से एक वर्मा समाज या कुर्मी बाहुल गाँव है, और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं भाजपा से अजय मिश्र टेनी काफ़ी विवादित रहे हैं कई कारणों से। वो वीडियो भी कई लोगों ने देखी होगी अपने टीवी पर, मोबाइल पर। और दूसरा उसके अलावा यहाँ पर सपा से उत्कर्ष वर्मा जी हैं और कालरा जी यहाँ पर बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि वर्मा समाज या कुर्मी समाज का इस बार क्या रुझान बन रहा है। अंकल जी आपसे शुरू करते हैं, इनसे शुरू करें। अरे पहले आप में गाड़ी निकल जाती है। चलिए आप यहाँ खड़े हैं, आपसे शुरू करते हैं। आप नौजवान हैं, क्या नाम है आपका? श्याम वर्मा। श्याम क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की? मैं BSc एग्रीकल्चर TA की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए आपके गाँव में यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ लगी हैं पिछले सालों में या नहीं लगी? क्या बस भैया की लगी हुई है, तब से नहीं लगी हुई है। नहीं लगी जी? नहीं। अच्छा, आप लोग अपनी नौकरियों के लिए क्या जो मोदी जी कहा थे कि भाई 2 करोड़ नौकरियां साल की निकालूंगा, वो कुछ होते हुए नज़र आ रहा है या? एग्जाम देने जाओ, एग्जाम से घर ना पाओ, लेकिन पेपर लीक हो रहा है। यही पुलिस का जो 69,000 पुलिस का हुआ, RO का हुआ, ARO का हुआ, अभी ये TA का लग रहा है और CHL का है, ये भी हमें लग नहीं रहा है कि हो जाएगा। बहुत दिक्कतें हुई हैं, मतलब इस बार तो कई लोगों का यहाँ पर पेपर कई लीक हुए, खासकर कि 69,000 पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उनका भी पेपर लीक हो गया। नाराज़गी पूरे UP में जहाँ जहाँ हम घूमे हैं काफ़ी नाराज़गी जाए, उस तरह की नाराज़गी इधर है उस चीज़ को लेकर? बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन पर सरकार कतई ध्यान ही नहीं दे रही है। एजुकेशन और उस पर जानवर यहाँ इतने हैं कि यहाँ खेती करना बहुत दुर्लभ हो रहा है। ये तो सबकी शिकायत है कि जो खुले जानवर या आवारा पशु घूम रहे हैं, बहुत परेशान है। किसान सम्मान निधि मिल रही है क्या यहाँ किसानों? जी नहीं मिल रही। नहीं किसान निधि मिल रही है? मिल रही है। तो ये बताइए फिर क्या इस बार सोच रहे हैं, रुझान क्या है? सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए जी। तो ये बताइए, यहाँ तो बदलने के लिए 2 उम्मीदवार है, एक उत्कर्ष वर्मा जी हैं और एक कालरा जी हैं इधर बसपा से, अंश कालरा जी। कहाँ आप सोच रहे हैं? उत्कर्ष वर्मा सपा की तरफ जा रहे हैं जी। तो सपा की तरफ, मतलब ये मैं समझना चाह रहा हूँ, वर्मा समाज के प्रत्याशी हैं इसलिए सोच रहे हैं या सरकार से परेशान हैं, नई सरकार चाह रहे हैं इसलिए सोच रहे हैं? नई सरकार जा रहे हैं। नई सरकार चाह जी। वर्मा समाज से नहीं होते फिर भी उधर ही जाते जी? ठीक है, ये नौजवान। एजुकेशन के लिए जो सपा ने किया है, बीजेपी ने उतना नहीं किया, नहीं किया। और उसने वैकेंसी वो निकाली है और प्रॉपर उसने सेलेक्ट भी किया है। और यहाँ पेपर देख के नहीं आप, हाई स्कूल के पेपर लीक हो रहे हैं, इंटर के लीक हो रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के क्या हाल हो? ये तो कह रहे हैं हमने कानून व्यवस्था बहुत सुधार दिया, आप कह रहे हो कि यार कुछ नहीं, ये तो जो तैयारी कर रहा है बच्चा उससे पूछो क्या हो रहा है। साल भी बीत रहे हैं, उम्र भी जा रही, पैसा भी जा रहा, कुछ तो नतीजा नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी बढ़ रही है कुछ कहने को नहीं। गन्ना का रेट 325 रुपए है और महंगाई तेल देखो 200, 300, 400 में जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफी बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। चलिए अंकल जी से बात करते हैं। जी अंकल जी, क्या नाम हुआ? हमारा नाम ओम प्रकाश। हाँ जी, ओम प्रकाश।
ओम प्रकाश जी, ये बताइए चुनाव आ रहा है, किसान हैं आप, क्या करते हैं? हाँ, किसानी है। किसान है, ये बताइए कैसे रहे हैं 10 साल किसानों के लिए सरकार में? अब सरकार तो किसान जैसे झेल रहा है, जानवरों से भी परेशान है, बेरोजगारी से भी परेशान है, और जो हम लोगों को गन्ना है तो गन्ने का हम लोगों को मूल वेतन नहीं मिल पा रहा। गन्ना हम लोग लगाते हैं, इस बार बड़ा भी कम है 10-5 सालों में। 10-5 साल से अभी इस साल बढ़ाया है थोड़ा पैसा, लेकिन उसको भी वो दे नहीं पा रहे फैक्ट्री हमारी, और वो अगले साल ही दे पाएगी। भुगतान में देरी हो रही है, बहुत देरी। अच्छा, और ये दिक्कत तो उधर भी है, पश्चिमी यूपी में भी, उधर जहाँ गन्ने हैं वहाँ भी होगी हर जगह, लेकिन थोड़ी कहीं सुधरी है कहीं खराब है, और जानवरों से भी परेशान हैं लोग, क्योंकि जानवर आवारा घूम रहे हैं। तो ये बताइए किसान सम्मान निधि, आप तो कह रहे थे आपको मिल रही है? हाँ, किसान निधि मिल रही है। तो उससे क्या भरपाई हो रही है? ये जो भरपाई हो रही है 2000 रुपये से क्या भरपाई होगी? क्या सोच रहे हैं चुनाव में? क्या सोच चुनाव में तो हम तो अपनी बिरादरी भाई उत्कर्ष वर्मा को ही देंगे। मतलब बिरादरी के नाम पर ही जा रहे हैं? और भी नहीं, और कारनामे भी हैं उसके, पहले भी विधायक रहे, अब सांसद में खड़े हैं, तो पहले से ही अच्छा लड़का है, काम करने वाले हैं, और काम किया भी है लोगों के बीच में। अच्छा अच्छा, ये बताइए फिर अगर मान लीजिए, क्योंकि पिछली बार वर्मा समाज हो या और भी बहुत से, क्योंकि मैं वर्मा समाज इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे, मतलब खीरी में आई थिंक किसी एक जाति के सबसे ज़्यादा वोट हैं तो वो वर्मा या कुर्मी समाज के हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा तो आप लोगों के वोट हैं यहाँ, तो उनका समाज का बहुत प्रभाव रहता है चुनाव में। पिछली बार वर्मा समाज तो काफ़ी हद तक भाजपा में गया था, बीजेपी में रहा, बीजेपी में रहा, आप लोग भी उधर ही थे? हाँ, उधर ही थे रहे, हालांकि हम नहीं रहे लेकिन हम सपाई ही रहे, लेकिन बीजेपी में बहुत सा गांव रहा मेरा। तो इस बार बदला है कुछ? हाँ, बहुत बदला है। बदला है जी जी। क्या नाम हो आपका? राहुल वर्मा। राहुल, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं, कितनी ज़मीन है? 12 बीघे। 12 बीघे है, तो इधर दिक्कतें वो रही हैं आपको आवारा पशु? देखते हैं, आवारा पशु है, और हमें जो है एक ही चारा है किसानी का, उसमें जो है एक ही फसल हमारे यहाँ हो पाती है, वो भी है गन्ना, उसका भी समय से पेमेंट नहीं पर मिल पाता है, तो इसलिए जो है भुखमरी की ज़्यादा जो है दिक्कतें आ रही हैं। किसान सम्मान निधि मिल रही है? 2000 की किस्त आ रही है हर 4 महीनों में जो आती है, और उससे ज़्यादा तो हमारी जो है फसल ही चल जाती है। आवारा 2000 में कहीं जो है पेट जो है चल पाएगा या जो है किस्त नहीं चल पाएगी, तो बाकी रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा है कोई नहीं। पिछली बार कहाँ वोट किए थे? हम तो सपा में ही किए थे। पिछली बार भी किए थे, और इस बार कहाँ कर रहे हैं? इस बार भी सपा में कर रहे हैं। हाँ, सपा पर ही हैं, पिछली बार भी, इस बार भी। पिछली बार लेकिन कई लोग आपके गांव से भाजपा गए थे क्या? हाँ, गए थे, काफ़ी लोग गए, काफ़ी लोग। इस बार क्या रुझान है? इस बार ज़्यादा है सपा में, इस बार सपा पे ज़्यादा है। क्या हुआ है, लोग क्या खेती की वजह से नाराज़ हैं जो दिक्कत हमारे यहाँ? देखो, खेती की ही वजह से ज़्यादा जो है देखते हैं, और महंगाई है, और एक ही मुद्दा है कि जैसा जो अपना ही पैसा है वो ही जब हमें नहीं मिल पाएगा तो दूसरे की जेब से मिले उससे क्या मतलब है? जब अपना ही उधार पड़ा है वो नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे का तो कोई वही नहीं। तो ये बताइए कि आप कह रहे हो अपना ही पैसा नहीं मिल पा रहा है, भुगतान में देरी हो रही है, राशन वगैरह मिल रहा है या नहीं? राशन मिल रहा है, काफ़ी पड़ रहा है उससे, या दिक्कत उससे, मतलब वो भरपाई नहीं कर पा रहा है? ज़्यादा तो हमारा खेतों में ही नुकसान हो रहा है, 5 किलो मिल रहा है, 5 क्विंटल जा रहा है, तो इससे क्या बात नहीं बन पा रही है। नहीं, चलिए आपसे बात करते हैं, आप लोग बात करेंगे, आइए जी। इसी गाँव से हैं? कौन से गाँव से हैं? बलवा गर्दनिया। क्या नाम हुआ? विशाल। विशाल, आप क्या पासी समाज से हैं या? पासी समाज से। पासी समाज से हैं। विशाल भाई, ये बताइए करते क्या हैं आप? हम किसानी। किसानी करते हैं, कैसे रहे हैं 10 साल किसानी? लोग कह रहे हैं यहाँ खुला आवारा पशु से बहुत दिक्कतें हुई हैं। हाँ, तो दिक्कतें तो भाई काफी। तो ये बताइए पिछली बार इस बार कहाँ वोट करने की सोच रहे हैं? वोट देने को वाले मतदान है, देखो रात में सबका समय बदल जाता है। अब ये तो बता दें किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। खेती करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप किसान, कैसे रहे हैं? आपकी मेहनत का आपको कुछ फल मिल रहा है 10 सालों में मिला है? फल तो मिल रहा है, 14 दिन को वादा करना है, अब एक साल के ऊपर हो जाते पेमेंट ना मिल पाते हैं। 14 दिन का वादा किया था सरकार ने, पेमेंट आ जाएगा? खुद आए के नहीं, अब वादा करिए रहा है कि 14 दिन के अंदर मैं पेमेंट देवे, नहीं तो जेल में ही हुई है मिल मालिक। जेल में कहा है, वो विदेश में बैठे हैं, यहाँ फैक्ट्री में किसान मरो जा रहे हो, गन्ना बेच जा रहे हैं, अब पैसा मिल नहीं पा रहे हो। अब गाय दिन में बचाओ रात में बचाओ, 24 घंटा खेत में बैठे रहो।
बहुत खुला आवारा पशु का बहुत दिक्कत है। अच्छा चलिए ये बताइए, पिछली बार आपके मोदी जी कहे थे कि हम किसान का आय दुगनी कर देंगे और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो लागू, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है, आय दुगनी क्या करी है, मतलब कि ये गन्ना वन्ना सब हम लोग खाए जा रहे प्रति खेत, आय दुगनी हो जीरो हुआ जा रहा है। कहाँ विवेक जी पिछली बार कहाँ वोट किए थे? पिछली बार तो बाबा जी का दिया रहा है, अब किसे नहीं देव, हम अखिलेश वर्मा अखिलेश यादव की हैं। अच्छा बाबा जी से मन उठ गया आपका? बिल्कुल, अब के हम इतना वो भव्य राम मंदिर बनाए हैं मोदी जी अयोध्या में, आपको मंदिर से ना थोड़ा होते हमें खाना आज नहीं मर जीबो या भूखे मंदिर थोड़ा जीबो हम। रोजगार और खेती का बहुत दिक्कत है, है? बहुत दिक्कत है। चलिए आप बताइए साहब क्या नाम हुआ? शर्मा। क्या शर्मा? शर्मा राजवंशी। शर्मा राजवंशी, यहाँ एक राजवंशी घर है वो बताए थे हमें, क्या करते हैं शर्मा जी? किसानी करे थे, मजदूरी करे थे, किसानी और मजदूरी करे क्या बहन गोला सेने। तो ये बताइए 10 साल हो गए इस सरकार को, मजदूरों के लिए कैसे रही आप, मजदूरी करने गोला तक जाते हैं? रहित का सब जानवर सब खेती किसान सब चले जाते फसल हैं, है? जहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो। और का कहाँ पिछली बार कहाँ वोट किए थे? पिछली बार हम दे रहे कमलई के यहाँ, और इस बार अब फिर कमलई के दे बा। ले आप कह रहे हो इतनी दिक्कत है फिर भी कमला पर ही जाए, ऐसा क्यों? हाँ जब जहाँ पूरे यहाँ पर एरिया है तहाँ हम हूँ हन। आइए कीटनाशक लगा रहे हैं ये अपने खेत पर। नमस्ते साहब, किसान बहुत मेहनत करते हैं, काम के बीच में आपको परेशान नहीं करना चाहते, बस 5 मिनट लेंगे आपका। यहाँ गन्ना उगाते हैं अभी, अभी तो कटाई हो गई होगी, भुगतान मिल रहा है समय से? भुगतान कहाँ समय से मिल रहा है, क्यों? मोदी जी कहते 14 दिन में दिलवा दूंगा। मोदी जी तो शुरू में कहना 14 दिन बाद, साल भर में ना दे भाई पाए तो 14 दिन बाद पर। चलिए नाराज लग रहे हैं। ये बताइए 10 साल आपके खेती के लिए कैसे रहे, किसान आप हैं खुला पशु से आप भी परेशान हैं? तो बहुत तो है ये। अच्छा चलिए ये बताइए आपको खुला पशु की भी दिक्कत है, आप कह रहे हैं बहुत तो किसान सम्मान निधि मिल रही है, उससे भरपाई हो जाती है जो नुकसान से का हो पाई है भरपाई? खेत में कम लागत लगते, कितने लागत लगते है। आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी तो ये बताइए फिर आपके गांव में जरा लोगों से पता कर रहे हैं क्या उनका रुझान है वोटिंग का इस बार? पिछली बार आप 19 में कहाँ वोट दिए थे? हम तो सपा को दिया था। और इस बार? इस बार भी। इस बार सपा को दे रहे हैं? हाँ। लेकिन क्यों, मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों को मैं किसान सम्मान निधि दे रहा हूँ, 5 किलो राशन दे रहा हूँ, आप खुश नहीं हैं? तब राशन से क्या होता है, राशन से पेमेंट ना मिल रहा, राशन का सब खर्चा चल रहा हो, डीजल महंगाई सब खाद महंगाई जा कहाँ जा रही, दुनियादारी जहाँ महंगाई चल रही, मोदी जी के गले पर थोड़े चल रहा है। अच्छा पिछली बार आपके गांव से लोग क्या भाजपा भी गए थे? अब गए हुए हैं कुछ थोड़े बहुत लोग। तो बदलाव है कुछ? अब देखो क्या बदलाव चल रहा। आप हाथी आप साइकिल पर चल रहे हैं? हाँ हम तो साइकिल पर चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 14 दिन का पेमेंट का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, साल भर में ना पूरा हो पा, 14 दिन को छोड़ो। तो बिजली फ्री हुई है किसानों की जो उन्होंने कहा था? कुछ ना फ्री वो नहीं हुआ। अच्छा बहुत परेशानी रही है। चलिए आप साहब से बात करते हैं, मोटरसाइकिल रोक दिया है इन्होंने। क्या नाम है साहब? राम नरेश। राम नरेश जी कौन इसी गांव से हैं? हाँ इसी गांव से। आपकी भी खेती है? हाँ खेती है। कितना खुश रहे हैं 10 सालों में किसान यहाँ? अब किसान की हालत आप लोग देख ही रहे हैं क्या है, कितना बेहाल है। देखिए हम तो मुजफ्फरनगर से घूमते हुए यहाँ तक कितनी सारी लोकसभा में आए हैं, हमें लगता था हमारे पश्चिम यूपी में ही ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन यहाँ तक आते आते सब वही आवारा पशु की बात करते हैं। कितना नुकसान हुआ आपको? पशुओं का आप देख ही सकते हैं कि चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, कहीं तार लगे हैं कहीं रस्सी लगी। रुक पाते हैं इससे? अब रात रात ड्यूटी देते हैं तभी रुक, एक सहारा है। तो क्या यहाँ पर अपनी वो मचान वगैरह बनाए हुए रात को? नहीं मचान नहीं, ऐसे रुकते हैं, अभी जब बरसात तो आएगी तब मचान बनाए जाएंगे, अभी तो चलो दिखाई पड़ता है इधर उधर का चारों तरफ का। तो बताइए कहाँ जा रहे हैं चुनाव में इस बार? अब चुनाव इस बार तो परिवर्तन सोच रहे हैं। परिवर्तन तो दो जगह हो सकता है फिर, पिछली बार मतलब भाजपा गए थे? हाँ पिछली बार हमारी समझ से मेरा गाँव 80% के करीब में भाजपा में गया था। तो क्या है इतना क्योंकि जिससे भी हम बात कर रहे हैं आपके गांव में एक तरफा सब साइकिल साइकिल कर रहे हैं, इतना क्या हताशा हुई है इस बार?
पिछली बार अभी शायद विधानसभा का चुनाव हुआ था, योगी जी आए थे हमारे यहाँ गोला में, उन्होंने कहा था कि जो मिल मालिक हैं अगर 14 दिन के अंदर मिल का भुगतान नहीं करते हैं, गन्ने पर भुगतान नहीं करते हैं तो उनको जेल भेज देंगे, जेल भेज दिया जाएगा। किसी खिलाफ अगर FIR भी हुई हो तो बताएं, बहुत नाराज की। तो फिर इस बार क्या सोच रहे हैं, बदलाव आप कह रहे हैं, एक तरफ तो उत्कर्ष वर्मा जी हैं, दूसरी तरफ वो कालरा जी बसपा से हैं, अब बदलाव होगा जब जो जिसको अच्छा लगेगा वो। आपको क्या अच्छा लग रहा है? अब समय बताएगा, समय बताएगा, लेकिन बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। मतलब हम अभी बिजोरिया निवादा गांव में थे, यहाँ मुख्य रूप से कुर्मी समाज के लोग हैं और ज़्यादातर यहाँ किसान ही हैं, कुछ नौजवान हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब अपनी भर्तियों के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत यहां पर अगर आप देखेंगे तो रुझान इस बार काफ़ी बदला हुआ है। जैसे कह रहे हैं पिछली बार कई लोगों ने कहा भाजपा को वोट दिया, लेकिन बढ़ती हुई बेरोज़गारी और उसके साथ साथ किसानों की जो समस्याएं रही हैं उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। जुड़े रहे CCA के साथ, चुनावी खबरें आप तक आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।